हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एकदम मार्केट जैसा घर पे ही पनीर बनाना सिखाऊंगी। पनीर की तो बहुत सारी रेसिपीज बनती हैं, जैसे कि सब्जियां, मिठाइयां, लेकिन घर के पनीर की बात ही कुछ अलग होती है फ्रेंड्स, और इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए फटाफट से पनीर की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर गाय का दूध लिया है, जिसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। आप इसकी जगह भैंस का दूध या फिर पैकेट का भी दूध ले सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स लगातार चलाते हुए हमें दूध को बॉईल करना है। इसे लगातार चलाना है, नहीं तो ये नीचे से लग सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर एक बॉईल आ गया है दूध में। तो अब इसे एक बार इस तरीके से चला लेते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं। दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पे विनेगर लिया है। आप इसकी जगह नींबू का भी यूज कर सकते हैं या फिर दही का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच विनेगर लेंगे, उसी चम्मच से नाप के 2 चम्मच पानी डालना है। मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे डायरेक्ट दूध में नहीं डालना है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अगर आप नींबू के रस से फाड़ रहे हैं दूध, तो सेम प्रोसेस के साथ हमें दूध को फाड़ना है। तो इस तरीके से मिश्रण को थोड़ा थोड़ा डाल के हमें लगातार चलाते हुए दूध को फाड़ना है। थोड़ी ही देर में देखेंगे फ्रेंड्स कि दूध फटने लगा है। कभी कभी दूध नहीं फटता है, तो इसके लिए हम गैस ऑन करके थोड़ा सा दूध और गर्म कर लेंगे। लेकिन मुझे दूध गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी दूध बहुत गर्म है और जो हमने मिश्रण तैयार किया था, देखिए उसी से दूध आसानी से फट गया है। और ये देखिए छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। पानी एकदम हरा दिखने लगा है, यानी कि दूध अच्छे से हमारा फट गया है। दूध को छानने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके का छेद वाला बर्तन लिया है। आप इसकी जगह छन्नी का भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा लिया है। आप इसकी जगह मलमल का भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा छेना तैयार हुआ है, उसको हम इस तरीके से छान लेंगे। देखिए, इसे छानने के बाद इस पे हम तुरंत ठंडा पानी डालेंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे पानी डालेंगे। पानी डालने से फ्रेंड्स, जो इसकी खटास है, जो हमने विनेगर से दूध को फाड़ा है, वो निकल जाता है। तो इस तरीके से पानी डाल के अच्छे से धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद चारों तरफ से कपड़े को उठाएंगे और इस तरीके से हमें पानी को निचोड़ लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, सारा पानी अच्छे से निचोड़ने के बाद, ये देखिए, अब कपड़े को हमें इस तरीके से खोल देना है और चारों तरफ से बराबर हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। पनीर का पानी अच्छे से निकल जाए, इसके लिए हम इसके ऊपर चकला रखेंगे या फिर इस तरीके का कोई सा भी भारी बर्तन रख देंगे, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो इस तरीके का हमें भारी सा बर्तन रख देना है, ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं फ्रेंड्स। करीबन आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर बनकर तैयार हो गया है। तो लग रहा है ना फ्रेंड्स, एकदम मार्केट जैसा पनीर। तो इस तरीके से आप भी घर पे बहुत ही आसानी से पनीर बना सकते हैं और अपनी पसंद की कोई से भी रेसिपी पनीर से बना सकते हैं। और इधर जो हमारा छेना का पानी निकला है, उसे हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। आप इसे आटा लगाने के भी यूज में ले सकते हैं। डिहाइड्रेशन को दूर करता है, चेहरे में चमक लाता है और गले के सूजन में भी राहत देता है। आप इस पानी को पौधों में भी डाल सकते हैं। तो इतने ढेर सारे बेनिफिट्स हैं इस पानी के, तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस पानी को ना फेंकें। और ये जो हमारा पनीर है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। पनीर को कट करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम मार्केट जैसा पनीर लग रहा है ना। तो आप भी इस तरीके से घर पे बहुत ही आसानी से पनीर बना सकते हैं। आप अपनी पसंद की किसी भी शेप में पनीर को कट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको पनीर कट करके दिखाती हूँ, ये कितनी आसानी से कट रहा है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी पनीर बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया पनीर बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी पनीर बना है।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी पनीर घर पे बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको पनीर की रेसिपी कैसी लगी। इसी पनीर से मैं आप लोग के लिए एकदम ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनाऊंगी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। इसे स्टोर करके आप एक हफ्ते तक इसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक कंटेनर में पानी लेना है और उसके अंदर पनीर को हमें डाल देना है। इस तरीके से हम स्टोर करके एक हफ्ते तक आराम से पनीर को यूज कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी यूनिक, मजेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।